बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ओरिजिनल बेकिंग एंड कुकिंग ऑन यूट्यूब। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही मजे की रेसिपी, स्ट्रॉबेरी स्विस रोल। तो इसके लिए हमें जो चीजें चाहिए इनग्रीडियंट नोट कर लीजिए। 225 ग्राम है मैदा, 225 ग्राम है चीनी और 1 टेबल स्पून है स्ट्रॉबेरी जेली। फ्रेश क्रीम है 225 ग्राम, इसको मैंने बीट कर लिया है। 1 टी स्पून है बेकिंग पाउडर, 6 स्ट्रॉबेरीज थी इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और इसमें है 5 अंडे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले एक ड्राई क्लीन बाउल ले लिया मैंने। बाउल जो है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए क्योंकि जब हम अंडे बीट करते हैं तो इसके लिए हमें ड्राई बाउल लेना जरूरी होता है। और ये अंडे में पांचों अंडे इसमें मैं ऐड कर दूंगी। एक एक करके अंडों को सेपरेट तोड़ा करें। पांचों अंडों को मैंने बाउल में डाल दिया। अब इसको मैं एक मिनट बीट करूंगी, फिर मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। तो मैं इसे बीट कर लूंगी। तो ये देखिए अंडों को मैंने एक मिनट अभी बीट किया। अब इसमें मैं चीनी ऐड करती जाऊंगी और साथ साथ बीट करती जाऊंगी। तो देखिए चीनी भी मैंने इसमें सारी ऐड कर दी है। इसको अब हमने इतना बीट करना है कि ये क्वांटिटी में 4 गुना ज्यादा हो जाए। तो अब मैं इसे बीट करती जाऊंगी और साथ साथ आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अंडों को मैंने बीट कर लिया। इसकी कंसिस्टेंसी देख लें कितनी थिक है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये जो स्ट्रॉबेरी जेली थी, इसको भी डाल के मैं थोड़ा सा बीट कर लूंगी। तो अंडों को मैंने बीट कर लिया। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मैदा। मैदे में ही मैं पहले मिक्स कर लूंगी बेकिंग पाउडर को। इसको मिक्स करके अंडे वाले मिक्सचर बैटर में इसको हम फोल्ड कर लेंगे। केक का बैटर जो हमारा रेडी हो गया है। और एक दफा स्पैचुला से भी इसको अच्छी तरह फोल्ड कर लें ताकि सारा जो मिक्सचर है अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको मैं निकालूंगी बेकिंग ट्रे में और ओवन मैंने 10 मिनट पहले ही ऑन कर दिया था ताकि हमारा ओवन प्री हीट हो जाए। इस तरह बेकिंग ट्रे में सारा बैटर मैं निकाल लूंगी। देखिए सारा बैटर मैंने इसमें डाल दिया है ट्रे में। अब मैं इसको बेक होने के लिए रख दूंगी। इसका बेकिंग टाइमिंग है 180 डिग्री के टेम्परेचर पे। 15 से 20 मिनट में ये इंशाल्लाह बेक हो जाएगा। तो अब मैं इसे रखती हूँ ओवन में, दिखाती हूँ आपको बेक होने के बाद। तो केक देखिए हमारा बेक हो गया, ये 15 मिनट में बेक हुआ। अब ये ठंडा होता है तो अब हम इसकी कर लेंगे फ्रॉस्टिंग। तो जब तक हम इसकी फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेते हैं, जो हाफ फ्रेश क्रीम है इसमें मैं ऐड कर दूंगी स्ट्रॉबेरी जो हम करेंगे इसके अंदर फिलिंग स्विस रोल के, और बाकी क्रीम है वो हम ऊपर लगाएंगे। स्ट्रॉबेरी डाल के इसको मैं मिक्स कर लूंगी बस। केक ठंडा हो गया, अब मैं इसे निकाल लूंगी।
देखें मैंने निकाल लिया है। अब इसके जो कॉर्नर है इसको मैं काट दूँ क्योंकि थोड़े से हार्ड हो गए। तब जो स्विस रोल है इसको पहले मैं इसको मैं ऐसे ही रोल कर लूँगी ताकि बाद में जब हम क्रीम लगा के रोल करें इजी हो जाए रोल करना। इसको बस 2 मिनट के लिए ऐसे मैं रोल करके छोड़ दूँगी। अब इसको मैं खोल लूँगी इस तरह। इससे ये होता है कि हमारा बाद में हमें जो इसको रोल करना होता है वो इजी हो जाता है। अब इसकी हम फ्रॉस्टिंग कर लेंगे। ये क्रीम जो स्ट्रॉबेरी वाली है इसके सेंटर में लगा देंगे। बहुत ही मज़े का बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब तो सीज़न में बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी आएंगी है। इस तरह मैं पूरा इसको स्प्रेड कर दूंगी। स्ट्रॉबेरीज बहुत कम टाइम के लिए होती हैं, आप लोग लेके इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, वो बहुत टाइम तक के लिए ठीक रहती हैं। ये देखिए हम पूरा इसको मैंने स्प्रेड कर दिया। अब इसको मैं रोल कर लूँगी जैसे मैंने पहले किया था। इसको इसी तरीके से उठा के हम रोल कर लेंगे। बटर पेपर से कर लेंगे, इजी हो जाएगा। इस तरह इसको मैं उठा के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी। फोल्ड मैंने ले लिया, इस पर मैं स्विस रोल को रख दूंगी। इसको मैं थोड़ा काट लूंगी ताकि इस पर पूरा आ जाए। इस पर मैं पूरे को क्रीम से कवर कर दूंगी। आप चाहें तो इस तरीके से भी खा सकते हैं, क्रीम लगा के ज़रा इसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। पूरे केक को हम क्रीम से कवर कर देंगे। ये देखिए क्रीम मैंने लगा ली, मैंने थोड़ी रफली क्रीम लगाई है। अब ये जो स्ट्रॉबेरी जेली थी इसको भी थोड़ा थोड़ा सा ऊपर मैं डस्ट कर लूँगी, इससे बहुत ही अच्छा इसका कलर और लुक आएगा। तैयार है ये देखिए मज़ेदार सा स्विस रोल केक। मैं अब आपको एक स्लाइस भी काट के दिखाती हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये देखिए स्विस रोल बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी से रिलेटेड अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन के साथ ऑल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।